जिन्होंने टिकट देने से कोताही बरती मुसलमानों को। अच्छा हमने, आप ही है, अरे हमारे यहाँ तो 40 सीटें आए हैं प्रभु, सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों ने दिए। टीवी पे नहीं होगा, मुजफ्फरनगर में हमारे कितने टिकट दिए मुसलमानों को बताइए। आप बताओगे कि मुजफ्फरनगर में किसको देंगे? नहीं आप बताओगे कि मुजफ्फरनगर में किसको देंगे, मुरादाबाद में किसको देंगे, बरेली में किसको देंगे, लखनऊ में किसको देंगे, नोएडा में किसको देंगे? कमाल है भाई, अरे हमने टिकट दिए सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के जीत के आए, समाजवादी पार्टी से जीत के आए। अब आप टीवी बैठ के बताओगे कि नहीं रूबिका लियाकत बताएंगे उसको टिकट दी जाएगी, तो भैया तो वो ऐसा नहीं होगा रूबिका जी। अगर आपके कहने से टिकट मिलने लगेगी तब तो होगा कि आपने मुजफ्फरनगर में क्यों नहीं दी, आपने सहारनपुर में क्या हुआ, लखनऊ में क्या हुआ, ये आप मुझे बताएंगे? और आप मलाई किसको खिला रहे हैं? ये तो सबसे ज्यादा वोट आपको मुसलमानों की मिले, अपने हिसाब से मलाई किसको खिला रहे हैं आप ये बता दीजिए, बताइए ना किसको खिला रहे हैं? तस्लीम मेहमानी जी किसको खिलाई जा रही है? अपने हिसाब से देंगे। मैंने तो इलेक्शन के दौरान भी कहा था कि भाजपा के साथ खुली डील है इन समाजवादी पार्टी की। अच्छा। और वो मुर्गियों के मुर्गियों की तरीके से मुसलमानों को धकेल के भाजपा समाजवादी पार्टी की झोली में डाल रही है और वही हुआ। और ये देख लीजिए, ये इनके डील थी कि एमएलसी में एक सीट नहीं जीत पाए, 110 सीटें थे, 110 होने के बावजूद ये एक नहीं जीत पाए, इसलिए कि इन्होंने डील की थी। ये आजम खान को, आजम खान के बारे में एक लफ्ज आज भी नहीं बोल सके, क्या बात कर रहे हो आप, आज भी जाने को तैयार है और वो चाहते हैं बोले जवाब दे दे, तो ये मुसलमान, अरे जवाब दे दे प्रभु, तस्लीम रहमानी जी फिर अब आ गए आप मुसलमान, दिक्कत ये है इनकी कोई राजनीति नहीं है, उसके बगैर इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, 32% वोट इनके पास इसलिए आए पहली बार, तब ये सिर्फ हरे रंग का कुर्ता पहन के हैं, मन में नहीं है। मुजफ्फरनगर का विधायक किसने करवाया, किसको सजा दे दी जाएगी मुजफ्फरनगर में? आपने नहीं है, ये तो कमाल की बात है भैया, किसको कल बताओगे? सहारनपुर में मुजफ्फरनगर में आपने किसको सजा दी? नोएडा में रुकता है किसको देना बता दीजिए, एक आदमी को सजा देनी हो तो बताए। आज 77 मुजरिम बाहर घूम रहे मुजफ्फरनगर के, आपकी पार्टी ने एक आवाज उठाई हो तो बात है, आपने आवाज तक नहीं उठाई, आवाज नहीं साइलेंस। अब मैं लौट के आ रही हूँ, मुझे बस कुछ चीजें क्लियर करनी थी, वो कर दी है। आपका हरा जुब्बा था तो मुझे मुसलमानों की जरा याद आ गई, हाँ। मैंने आपसे पूछ लिया, हाँ, नहीं, सारी चीजें आप सामने आ गई है, अब बात खत्म करते हैं। लाउड स्पीकर पर आती हूँ मैं लौट कर। हाँ भाई आनंद जी, इतना लाउड स्पीकर आप वहां पे नहीं बज रहा है जितना आज एबीपी न्यूज के स्टूडियो में बज गया है, यकीन मानिए। अब मुझे ये बताइए कि कायदे से 3 तारीख को हनुमान चालीसा वर्सेज अजान वाली स्थिति नहीं आएगी ना सर? नहीं आनी चाहिए, मान जाइए वो गजानन जी पूरा रट्टा मार के बैठे हुए हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर सिंधु लोक उजागर। रूबिका जी एक मिनट, रूबिका जी रूबिका जी एक मिनट, सब सुना है, सबने याद कर दिया है। आप किसी निवार सुमति के संगी कंचन भरज विराज सुबह सा कारण। रूबिका जी अगर मुझसे कोई इस पर बहस करेगा तो जीत नहीं पाएगा, पढ़ लो, मैं पूरा मैं लगूंगा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार और बरनव रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार और बुद्धिहीन तनु जान के और सुमिरव पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देव मोई हरे कलेश विकार। तो रूबिका जी इस पर तो फिलहाल मन से नहीं जीत पाएगी। मैं आता हूं मुद्दे पर, हम लोग का जीतने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा कानून का मुद्दा है, हम लोग को स्वतंत्र है लेकिन आप जीत के लेकिन क्या किया है आपने? गजानन काले जो चाहते थे वो आपने कर लिया, वो तो चाह रहे थे आपके अंदर का हिंदू जगाए, वो तो चाह रहे थे कि देश के सामने आप एकदम सीना फाड़ के रूबिका जी हनुमान ज्ञान गुण सागर करते और वो आपने कर दिया। रूबिका सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट की बात हो रही है, ओके रूबिका जी बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए, बस कभी प्रदर्शन नहीं करने चाहिए ना, लेकिन यदि कोई चेतावनी देगा ABP News, आपको रखे आगे।